चाहता हूँ, जिसकी वजह से हम सब वी ऑल फील प्राउड, हम को सबको बड़ा अभिमान है इस कंपनी के ऊपर। ये है टाटा समूह की एक कंपनी, टाटा मोटर्स, और इसने एक ऐसा काम किया जिस देश ने हम पर राज किया था इतने सालों से, हमें आज़ादी जिससे मिली, वहीं पर जाकर उनकी एक दिग्गज कंपनी खरीद ली जिसका नाम था जैगुआर लैंड रोवर। और आज इस पूरी टाटा समूह का पूरी दुनिया में सिक्का चलता है, पूरी दुनिया में परचम लहराया जाता है, और इसीलिए मुझे ये अच्छा भी लगता है। केवल ये कारण नहीं है, मुझे लगता है ईवी स्पेस में जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आने वाले 4-5 सालों में ईवी में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा, टाटा मोटर्स इस पूरी की पूरी श्रृंखला में अग्रणी रहेगी। और मेरा ये मानना है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा करेगी, ना केवल इस देश में मगर ग्लोबली भी। चाइना बहुत बड़ा मार्केट है जीएलआर का, चाइना में समस्याएं रही थी कोविड रिलेटेड, मगर अब जैसे जैसे चीज़ें खुल रही हैं मुझे लगता है चाइना बॉटम आउट हो चुका है और वहां पर अब अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो जो टाटा का जो बहुत बड़ा मार्केट था चाइना, वो दोबारा से खुलेगा। और इसके अलावा भी यूरोप में भी हम देखेंगे टाटा मोटर्स की सेल्स बढ़ेंगी। टाटा मोटर्स ने इंडिया में जो मॉडल्स लॉन्च किए हैं पिछले 4-5 सालों में, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। ईवी क्षेत्र में अभी भी करीब करीब 60-65% जो मार्केट शेयर है वो टाटा मोटर्स का है। टाटा चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जाने को प्लान कर रहे हैं, इसके अलावा बैटरीज पे भी बहुत काम कर रहे हैं, चाहे वो सोडियम आयन हो या लिथियम आयन हो, बहुत मेगा प्लान चल रहा है टाटा केमिकल्स का। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है टाटा मोटर्स, तो एक समूह की कंपनी ही है जहां पर ये लोग अपनी बैटरीज को भी बनाना चाहते हैं और एक ग्लोबल हब क्रिएट करना चाहते हैं फॉर ईवी बैटरीज। जी सर, तो ऑल सेड एंड डन मुझे लगता है टाटा मोटर्स बहुत अच्छा करना चाहिए यदि कोई थोड़ी सी भी लंबी अवधि तक ले। मेरा इसका टारगेट 800 है, और मैंने ये बात पहले भी कई बार कही है, टाटा मोटर्स भारत का टेस्ला है, और आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि ये टेस्ला जैसे बहुत अच्छा पैसा बना के देगी अपने निवेशकों को। जी तो यहाँ से भी लगभग डबल होने के चांसेस हैं टाटा मोटर्स में, बिल्कुल। तो इसमें खरीदारी की सलाह है। चलिए, तो मंदी को पूरी तरह से ओवरटेक करते हुए निकलेगी टाटा मोटर्स, और होनी चाहिए वो भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा। मुदित जी हमारे साथ है।